राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष प्रभावशाली उपाय। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक हिंदू माह के अंतिम दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूजा पाठ स्नान ध्यान इत्यादि का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन चैत्र सोमवती अमावस्या व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के साथ साथ कुछ खास उपायों का पालन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास कार्य करने से ग्रह दोष व पितृ दोष इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही इस दिन सुहागी महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती है। सुहागी महिलाओं के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागी महिलाओं को कुछ आसान से उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें शुभ फल प्रदान होगा। तो आइए जानते हैं ये विशेष लाभकारी उपाय कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं सुहागी महिलाओं को किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ को गंगा जल से सींचें। इसके बाद कच्चा सूत 108 बार पीपल की परिक्रमा कर लपेटें। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करना चाहिए और इस दिन महिलाएं कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। महिलाओं को कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पति की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए ये कार्य इस दिन अवश्य करें सुहागिन महिलाएं। और अगला उपाय वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने के लिए है। अगर पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा रहता है तो सोमवती अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल खिलाएँ। इसके बाद श्रीहरि के मंत्र का जप करते हुए 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसे करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। और पितरों के लिए इस दिन पीपल का पौधा लगाएं। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए किसी मंदिर में जाकर पीपल का पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके लिए तरक्की के द्वार खुलते हैं। तो ये थे दोस्तों वो विशेष उपाय जो सुहागिन महिलाओं को सोमवती अमावस्या पर करने चाहिए। यदि किसी महिला के पति को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही घर की सुख शांति समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएँ इस दिन ये उपाय जरूर अपनाएं। और आप जानते हैं इस दिन के अन्य प्रभावशाली उपायों के बारे में। पहला उपाय है पितृ दोष से छुटकारा पाने का। शास्त्रों में बताया गया है सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान ध्यान करना चाहिए और पितरों को तर्पण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंडली में यदि पितृ दोष है तो इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। और अगला उपाय देवी देवताओं के आशीर्वाद सुख समृद्धि के लिए है। सोमवती अमावस्या के उपाय में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर भगवान शिव और उनके समस्त परिवार व लक्ष्मी माता को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए ये उपाय जरूर करें, बहुत ही सरल उपाय है। और अगला उपाय धन वैभव की वृद्धि के लिए है। सोमवती अमावस्या के दिन संध्याकाल में
ईशान पूर्व में गाय की घी का दीपक जलाना चाहिए और समय समय पर इसमें घी डालते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय का पालन करने से धन वैभव की वृद्धि होती है। इसके साथ ही अगला उपाय सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान ध्यान और पूजा पाठ के बाद आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और घर के निकट किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को ये आटा डालें। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे सोमवती अमावस्या के दिन कुछ किए जाने वाले बेहद ही प्रभावशाली उपाय। आप इन्हें जरूर अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाएं और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सोमवती अमावस्या पर की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जो दूर नहीं हो सकती है, और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।